ओके हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम। लास्ट लेक्चर में हमने इसका कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट देखा था, ओके और उसके पीछे एक एग्जांपल देखा। तो आज हम देखेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम पे दूसरा एग्जांपल, लेकिन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कन्वोल्यूशन थ्योरम होता क्या है, कन्वोल्यूशन थ्योरम कब यूज करते हैं, अगर दो एसके फंक्शन का प्रोडक्ट है और मुझे उसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है, ओके तो यहाँ पे प्रोडक्ट किसका है, एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस, यहाँ पे दो एसके फंक्शन का प्रोडक्ट है, मुझे उसका एल इनवर्स निकालना है, तो हम कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करते हैं। ओके कन्वोल्यूशन थ्योरम से इसका आंसर कितना आता है, इंटीग्रेशन जीरो टू टी, यहाँ पे एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू। ओके लेकिन कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करने के लिए आपको दो चीजें पता होना चाहिए, ठीक है, कौन सी दो चीजें, यहाँ पे जो भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट का अगर आपको इनवर्स निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे वो दो फंक्शंस का सेपरेटली लैपलेस इनवर्स आपको पता होना चाहिए। ओके मतलब एफ बार ऑफ एस किसका इनवर्स है, सो एफ ऑफ टी का, जी बार ऑफ एस का इनवर्स क्या है, जी ऑफ टी है। ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ बार ऑफ एस का इनवर्स एफ ऑफ टी है, तो उस टी को हम यू से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ यू, और जी बार ऑफ एस का इनवर्स जो होता है वो जी ऑफ टी होता है, तो यहाँ पे हम टी को रिप्लेस करेंगे टी माइनस यू से, और इसको इंटीग्रेट करेंगे डी यू से, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे और एक काम कर सकते हो, आपने एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू लिखा, आप उल्टा भी लिख सकते हो, मतलब एफ ऑफ टी माइनस यू इंटू जी ऑफ यू, ऐसा भी लिख सकते हो, इससे भी आपका आंसर आता है। ओके तो इसके लिए देखते हैं एक एग्जांपल, फाइंड द इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर इसका होल स्क्वायर। ओके नाउ अब देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इसको दो फंक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के फॉर्म में। ओके तो मेरे पास जो फंक्शन है वो है एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर, ओके इसका होल स्क्वायर, यहां पे इसको मैं दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे कन्वोल्यूशन थ्योरम से इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ओके तो यहां पे मैं लिखूंगा पहला फंक्शन एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर इंटू, यहां पे एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर, ओके अल्टीमेटली एस इंटू एस स्क्वायर मिलेगा, और एस स्क्वायर प्लस फोर इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर, एस स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर मिलेगा। ओके तो आपने इसी के फॉर्म में क्यों लिखा, ठीक है ना, आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पे वन लिख सकते थे, यहाँ पे एस स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन आपको एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर का इनवर्स पता है कि नहीं है, क्लियर है, तो ऐसे दो फंक्शन के फॉर्म में लिखना, ठीक है, कि उन दो फंक्शन का आपको लैपलेस इनवर्स पता हो। अब देखिए यार, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर इसका लैपलेस इनवर्स कितना होता है, कॉस टू टी, इसका भी लैपलेस इनवर्स कितना होता है, कॉस टू टी, तो आपको इन दोनों फंक्शन का लैपलेस इनवर्स पता है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको एक नाम दे देंगे हम, ओके सपोज करो कि यहां पे मैं इसको नाम देता हूं, ये हो गया एफ बार ऑफ एस और ये हो गया आपका जी बार ऑफ एस, ओके नाउ तो यहाँ पे एफ बार ऑफ एस कितना हो गया, सो देयरफॉर एफ बार ऑफ एस ये हो गया यहाँ पे एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर, मतलब क्या टू का स्क्वायर, ओके नाउ तो ये इसका इनवर्स कितना होता है, सो देयरफॉर एल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस, ठीक है, इसका इनवर्स निकालना है आपको, इट इज अ एफ ऑफ टी, और इसका इनवर्स होता है कॉस टू टी, ठीक है, इसका इनवर्स कितना होता है कॉस टू टी। सिमिलरली जी बार ऑफ एस, ओके सेम फंक्शन है, कौन सा एस स्क्वायर प्लस फोर, ओके सो देयरफॉर इसका इनवर्स कितना होगा, एल इनवर्स ऑफ जी बार ऑफ एस इज इक्वल टू यहाँ पे जी ऑफ टी, और इसका कितना होगा कॉस ऑफ टू टी, सेम है। ओके चेक कर लो, आपने दो फंक्शन के फॉर्म में लिखा, आपने किसको, आपका जो दो आपका जो मेन फंक्शन था एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर इसका होल स्क्वायर, इसको दो यहाँ पे दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, कौन से दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में, एस इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर इंटू एस इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है, आपको इन दोनों फंक्शन का इनवर्स पता होना चाहिए, तो करेक्ट है, दोनों फंक्शन का इनवर्स मुझे पता है, तो मैंने इसको कंपेयर किया एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस के साथ। ओके तो यहाँ पे एफ बार ऑफ एस मिलता है मुझे एस स्क्वायर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर, इसका ये इनवर्स एफ बार ऑफ एस का एफ ऑफ टी होता है, तो यहाँ पे कॉस टू टी मिला, और जी बार ऑफ एस भी सेम फंक्शन है, इसका इनवर्स जी ऑफ टी मिलता है, कितना होता है सेम फंक्शन कॉस टू टी। अब मुझे फार्मूला अप्लाई करने के लिए एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू चाहिए, ओके ना, तो एफ ऑफ यू यहाँ पे जो एफ ऑफ टी है इस टी को रिप्लेस करेंगे यू से, तो आपको एफ ऑफ यू मिलेगा, और यहाँ पे आपको क्या चाहिए जी ऑफ टी माइनस यू, तो यहाँ पे जो टी है टी को रिप्लेस करेंगे हम टी माइनस यू से, तो आपको क्या मिलेगा g ऑफ t माइनस यू मिलेगा। ओके सो देयरफॉर यहां पे लिखूंगा मैं देयरफॉर हाँ f ऑफ u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा f ऑफ u हो जाएगा आपका cos ऑफ 2u, ओके एंड यहां पे g ऑफ t माइनस यू कितना होगा, g ऑफ t माइनस यू हो जाएगा आपका cos ऑफ ओके 2 इंटू टी माइनस यू, ओके इसको मल्टीप्लाई करो,
यहां पे cos ऑफ, यहां पे 2t माइनस 2u लाइक दैट। ओके, तो ये होता है आपका g ऑफ t माइनस u। कोई डाउट है? क्लियर है? चेक कर लो एक बार जो लिखा है करेक्ट है या नहीं तो। ओके, अब देखो, अब मुझे फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो यहां पे लिखूंगा बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। ओके, कन्वोल्यूशन थ्योरम से हम दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका कन्वोल्यूशन थ्योरम है। ओके, यहां पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करूंगा। सो अगर मुझे एल इनवर्स निकालना है, किसका निकालना है आपको, एस स्क्वेयर अपॉन यहां पे एस स्क्वेयर प्लस फोर इसके होल स्क्वेयर का, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, यहां पे इंटीग्रेशन जीरो टू टी करना पड़ेगा। ओके, नाउ और इसको आप प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। तो आपने लिखा है ऑलरेडी एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस फोर और एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस फोर। तो यहां से हमने एफ बार ऑफ एस और जी बार ऑफ एस को इसके साथ कंपेयर किया, आपको एफ ऑफ यू मिलता है कॉस टू यू और जी ऑफ टी माइनस यू मिलता है कॉस टू टी माइनस टू यू। तो यहां पर लिखूंगा मैं एफ ऑफ यू की वैल्यू होती है कॉस टू यू और जी ऑफ टी माइनस यू की वैल्यू होगी कॉस ऑफ टू टी माइनस टू यू इंटू डी यू। गॉट इट? ओके, अभी हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, यहां पे दो कॉस के फंक्शन का प्रोडक्ट है। अगर दो कॉस के फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो आप इस इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, हाँ, अगर यहां पे एडिशन होता है सब्ट्रैक्शन होता है तो आप सेपरेटली दोनों को इंटीग्रेट कर सकते थे। क्लियर है ना? अब आपको यहां पे क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहां पे दो फंक्शन के मतलब दो कॉस का अगर प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को आपको सबसे पहले एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, उसके लिए फार्मूला क्या है, उसके लिए फार्मूला है कॉस ऑफ ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कितना, वन अपॉन टू इन ब्रैकेट यहां पे आएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी और प्लस यहां पे आएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। मैंने चार फार्मूला आपको पढ़ाए थे, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, तो यहां पे कॉस कॉस थर्ड फार्मूला आता है। ओके, चारों के फार्मूले को ध्यान में कैसे रखेंगे, सब में 1 बाय टू आता है, आखिरी में माइनस 1 बाय टू आता है। पहले साइन साइन प्लस आता है, साइन साइन माइनस, बाद में कॉस कॉस प्लस, बाद में कॉस कॉस माइनस, इस तरीके से। तो यहां पे दो, देखो दो कॉस के प्रोडक्ट को मैं एडिशन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है ना, ये फार्मूला है। तो यहां पे जो दो फंक्शन है, दो कॉस है, इसको मैं लिखूंगा यहां पे कॉस ऑफ टू यू इंटू कॉस ऑफ यहां पे टू टी माइनस टू यू, क्लियर, इज इक्वल टू यहां पे 1 बाय टू, ए की वैल्यू होगी आपकी टू यू, बी की वैल्यू होगी आपकी टू टी माइनस टू यू। ओके, नाउ इन ब्रैकेट यहां पे कॉस ऑफ, अब यहां पे ए प्लस बी, ये हो गया टू यू, बी हो गया टू टी माइनस टू यू, दोनों का एडिशन टू यू प्लस टू टी माइनस टू यू, तो प्लस टू यू माइनस टू यू गेट कैंसल, यहां पे मिलेगा कॉस टू टी ऑनली, प्लस यहां पे कॉस ऑफ ए माइनस बी, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, यहां पे टू यू माइनस यहां पे टू टी माइनस टू यू। ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन करूंगा तो यहां पे माइनस टू टी और यहां पे प्लस टू यू, टू यू प्लस टू यू फोर यू, फोर यू माइनस टू टी मिलेगा आपको। ओके, तो यहां पे फोर यू माइनस टू टी लाइक दैट, क्लियर है। अब ये जो वैल्यू है ये मैं पुट अप करूंगा इंटीग्रेशन में। ओके, और इसको इंटीग्रेट करूंगा इस तरीके से। सो देयरफॉर आपको निकालना है एल इनवर्स एस स्क्वेयर अपॉन एस स्क्वेयर प्लस फोर इसके होल स्क्वेयर का, क्लियर, इज इक्वल टू लिमिट है जीरो टू टी, हाँ, कॉस टू यू इंटू कॉस टू टी माइनस टू यू, इस प्रोडक्ट को आपने एडिशन में कन्वर्ट किया, कितना आंसर ये मिलता है 1 बाय टू इन ब्रैकेट यहां पे कॉस टू टी प्लस कॉस ऑफ यहां पे फोर यू माइनस टू टी। ओके, नाउ यहां पे आएगा डी यू लाइक दैट। ओके, 1 अपॉन टू कॉन्स्टेंट है बाहर। ओके, चलो इंटीग्रेट करते हैं। ये जो इंटीग्रेशन है इसपे भी ऑपरेट होगा और इसपे भी ऑपरेट होगा सेपरेटली क्योंकि प्लस है। ओके, अब मुझे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू u करना है, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, टू टी आ रहा है, इस कॉस में u का फंक्शन ही नहीं, ठीक है, इसका मतलब ये कॉस टू टी क्या हो गया इन दिस इंटीग्रेशन, यहां पे इस इंटीग्रेशन में कॉस टू टी हो गया कॉन्स्टेंट। ओके, नो, और कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन पता है आपको, अगर मुझे कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू u से तो कितना होगा, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लो, डी यू का इंटीग्रेशन होता है u, तो यहां पे मिलेगा के यू, मतलब कॉन्स्टेंट इंटू यू, तो यहां पे कॉस टू टी का इंटीग्रेशन कितना मिलेगा, कॉस टू टी इंटू यू, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यू करने जा रहा हूं। ओके, नो, तो यहां पे 1 अपॉन टू कॉन्स्टेंट है बाहर। ओके, हाँ, यहां पे कॉस टू टी का इंटीग्रेशन होता है कॉस टू टी इंटू यू। ओके, ना, अब यहां पे कॉस का इंटीग्रेशन होता है, देखो यहां पे इस कॉस में यू है, करेक्ट है, तो ये वेरिएबल,
अब कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। ओके आपको पता होगा कॉस का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, देखो कॉस 80 का फॉर्मूला साइन 80 अपॉन टी का कोएफिशिएंट है। ओके तो आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हो, तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन या फिर 4u माइनस 2t एज इट इज, ओके अपॉन में u का कोएफिशिएंट। ओके क्योंकि आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हो तो u का कोएफिशिएंट कितना है 4, यहाँ पे 4 और लिमिट कितनी है आपकी 0 टू टी। ठीक है इंटीग्रेशन समझ में आया, आप चेक कर लो क्लियर है ना। अब मैं वैल्यू पुट अप करूंगा, सबसे पहले अपर लिमिट, ओके 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, ओके सबसे पहले अपर लिमिट, अपर लिमिट है आपकी टी। ओके तो यहाँ पे यू की जगह टी पुट अप करूंगा तो यहाँ पे आएगा टी, यहाँ पे ब्रैकेट दूंगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दूंगा, ओके ना हाँ यहाँ पे यू की जगह टी तो यहाँ पे आएगा टी इंटू कॉस 2t। ठीक है प्लस हाँ यू की जगह टी तो 4t माइनस 2t कितना होता है 2t, तो यहाँ पे साइन 2t अपॉन 4। ठीक है ना माइनस, अब लोअर लिमिट 0 है तो u की जगह 0, 0 इंटू कॉस 0 प्लस, ओके ना यहाँ पे साइन u की जगह 0 तो यहाँ पे माइनस 2t मिलेगा ओनली। ओके तो साइन ऑफ माइनस 2t अपॉन 4 लाइक दैट। ओके कर्ली ब्रैकेट क्लोज ना, अब देखिए क्या मिलेगा, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस। ओके तो ये मिलेगा आपको देखो 1/2 इन ब्रैकेट यहाँ पे टी यहाँ पे कॉस 2t प्लस यहाँ पे साइन 2t अपॉन 4। ठीक है हाँ देखो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे साइन 2t अपॉन 4। क्लियर है तो आपका आंसर कितना मिलेगा, इन दोनों की एडिशन कर लीजिए, साइन 2t अपॉन 4 प्लस साइन 2t अपॉन 4 ये हो जाएगा 2 sin 2t upon 4 मतलब कितना। ओके इसका आंसर आएगा 1/2। ठीक है इसका आंसर मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए इसका आंसर आएगा सो देयरफॉर इस टेक को मैं यहां पे लिखता हूं। ओके सो देयरफॉर एल इनवर्स ऑफ एस स्क्वेयर अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 4 इसका होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, ओके यहां पे 1/2 यहां पे टी कॉस 2t। ओके ना कितना मिलेगा 2, देखो साइन 2t अपॉन 4 प्लस साइन 2t अपॉन 4 2 sin 2t upon 4 तो यहां पे आएगा प्लस 2 sin 2t upon 4। क्लियर है सो यहां पे 2 2 4 हो जाएगा तो ये मिलेगा आपका आंसर 1/2 इन ब्रैकेट टी कॉस 2t और यहां पे प्लस 1/2 इंटू साइन 2t। क्लियर है तो ये रहेगा आपका इनवर्स इसको। ठीक है प्रॉब्लम समझ में आया होगा आपको, ठीक है और एक बार सुन लीजिए, ठीक है इसको रिवाइज कर लीजिए आपको पूरा समझ में आएगा, और एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिख लीजिए। अभी देखते हैं और एक प्रॉब्लम कन्वोल्यूशन थ्योरम पे, हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है, फाइंड एल इनवर्स ऑफ 1/2 इंटू एस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। ओके इसका इनवर्स हमें कन्वोल्यूशन थ्योरम से फाइंड आउट करना है, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है आपको पता है। ओके अब देखो कन्वोल्यूशन थ्योरम कब यूज करते हैं, जब दो फंक्शन के प्रोडक्ट का अगर हमें एल इनवर्स निकालना, ओके देन हम यूज करते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो यहां पे सबसे पहले मुझे ये जो हमारा मेन फंक्शन है जिसका हमें इनवर्स निकालना है उसको दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। ओके लेकिन कंडीशन है कि उन दोनों फंक्शंस का आपको एल इनवर्स पता होना चाहिए। ओके तो चालू करते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपके पास है प्रॉब्लम 1/2 यहां पे एस स्क्वेयर इंटू एस प्लस 1 इसका होल स्क्वेयर। ओके अब इसको दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो, लेकिन ऐसे दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो जहां पे दोनों का एल इनवर्स आपको पता हो। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1/s² इंटू यहां पे 1/ यहां पे एस प्लस 1 इसका होल स्क्वेयर। ओके इन दैट केस देखो मुझे 1/s² इसका भी एल इनवर्स आता है और 1/s+1 का होल स्क्वायर इसका भी मुझे एल इनवर्स पता है। ओके यहां पे मुझे निकालना आता है, ठीक है तो इसको मैंने लिखा 1/s² इंटू 1/s+1 इसका होल स्क्वायर और इन दोनों के एल इनवर्स मुझे पता है। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे कितना होगा, सो देयरफॉर एफ बार ऑफ एस आप लोग लिखेंगे 1/s². ओके तो इसका इनवर्स कितना होगा, सो एल इनवर्स ऑफ
एफ बार ऑफ यस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी. ओके ना, हाँ बोलिए. वन बाय एस स्क्वेयर का ये वन बाय एस स्क्वेयर का एल इनवर्स कितना होता है? वन बाय एस स्क्वेयर का एल इनवर्स होता है टी टू दी पावर टू माइनस वन अपॉन टू माइनस वन का फैक्टोरियल. क्लियर है ना? तो यहां पे कितना होगा? सो देयरफॉर एफ ऑफ टी होगा आपका. सो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कितना? टी अपॉन वन, मतलब यहां पे आएगा टी. क्लियर है ना? अब जी बार ऑफ एस कितना आपका? जी बार ऑफ एस है वन अपॉन एस प्लस वन इसका होल स्क्वायर. सो देयरफॉर एल इनवर्स ऑफ जी बार ऑफ एस, ठीक है, दैट इज योर जी ऑफ टी इज इक्वल टू, हाँ बोलो, वन अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर इसका एल इनवर्स. तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एस इज रिप्लेस बाय एस प्लस वन, तो इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी उन्होंने यूज किया होगा. ओके, तब जाके एस को एस प्लस वन से रिप्लेस किया. अब यस को एस प्लस वन से कब रिप्लेस करते हैं? जब ई के पावर में माइनस टी आता है. ओके ना, तो अभी ये वन का काम हो गया, बचा वन बाय एस स्क्वायर. और वन बाय एस स्क्वायर का इनवर्स कितना होता है? वन बाय एस स्क्वायर का इनवर्स होता है टी टू दी पावर टू माइनस वन अपॉन टू माइनस वन का फैक्टोरियल, मतलब ये आता है आपका जी ऑफ टी. कितना जी ऑफ टी आता है? टी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी. क्लियर है ना? अभी आपको फार्मूला लगाना है कन्वोल्यूशन थ्योरम का. ओके, अब कन्वोल्यूशन थ्योरम के दो फार्मूले मैंने आपको बताया था. एक है इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस. ओके, देखो कन्वोल्यूशन थ्योरम का फार्मूला क्या है. कन्वोल्यूशन थ्योरम का फार्मूला है, अगर आपको एल इनवर्स निकालना है, ठीक है, यहां पे एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस है. क्लियर है? तो फार्मूला है इंटीग्रेशन जीरो टू टी, यहां पे एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू. क्लियर है? देखो यहां पे एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू, आप एक काम कर सकते हो, आप उल्टा भी कर सकते हो. आप एफ ऑफ टी माइनस यू भी ले सकते हो और जी ऑफ यू भी ले सकते हो. ओके, यहां पे दिखता नहीं लिख सकते हो. देखो कन्वर्जन टर्म का फॉर्मूला है, अगर मुझे एल इनवर्स निकालना है एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस का. ओके, फार्मूला है इंटीग्रेशन जीरो टू टी, यहां पे एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू, ठीक है, इंटू डी यू. और इसका दूसरा फार्मूला क्या है? इसका दूसरा फार्मूला है जीरो टू टी, यहां पे एफ ऑफ टी माइनस यू इंटू जी ऑफ यू इंटू डी यू. ओके, आप एक काम कर सकते हो, जो भी डिफिकल्ट फंक्शन है, जो भी लेंथी फंक्शन है, ओके, या फिर जो बड़ा फंक्शन है, ठीक है, उसको आप एफ ऑफ यू ले सकते हो या फिर जी ऑफ यू ले सकते हो, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला. जो इजी फंक्शन है ना, जो सिंपल फंक्शन है, उसको आप एक तो जी ऑफ टी माइनस यू ले सकते हो, एफ ऑफ टी माइनस यू ले सकते हो. ओके, अब इन दैट केस देखो, यहां पे एफ ऑफ टी टी है और जी ऑफ टी कितना है? टी टू दी पावर माइनस टी. अगर आप टी को जी में टी को अगर टी माइनस यू से रिप्लेस कर सकते हो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट बन जाएगा फंक्शन. ओके, सो इन दैट केस आप क्या करोगे? एफ में जो टी है उसको टी माइनस यू से रिप्लेस करेंगे. ओके ना, तो मतलब हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे. ओके, सो हियर देखो, सो देयरफॉर एफ ऑफ यहां पे टी माइनस यू कितना आएगा? एफ ऑफ टी माइनस यू, टी को रिप्लेस करो टी माइनस यू से, तो यहां पे आएगा टी माइनस यू. ओके, और जी ऑफ टी, सॉरी जी ऑफ यू लिखो भी. ओके, तो जी ऑफ यू कितना मिलेगा आपको? जी ऑफ यू मिलेगा यू, जी में टी को रिप्लेस करो सिंपली यू से, तो यू ई टू दी पावर माइनस यू. ठीक है, मिल गया? तो अकॉर्डिंग टू बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम एल इनवर्स अगर मुझे निकालना है, फंक्शन है आपका वन अपॉन यहां पे एस स्क्वायर इंटू एस प्लस वन इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट जीरो टू टी बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम. हाँ, एफ ऑफ टी माइनस यू, एफ ऑफ टी माइनस यू है आपका टी माइनस यू, और जी ऑफ यू कितना है यहां पे? यू ई टू दी पावर माइनस यू, यहां पे डी यू. ओके, यू से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो लिमिट जीरो टू टी. अगर मैं यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे यू टी माइनस यू स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस यू इंटू डी. क्लियर है? अभी मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है. ओके, अभी यहां पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ रहा है. पहला फंक्शन है आपका ब्रैकेट जिसमें यू के फंक्शन है, और दूसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो यहां पर हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ओके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यू और वी कौन सा है? जो अलजेब्रिक है उसको हम यू अज्यूम करते हैं, और जो एक्सपोनेंशियल है उसको हम वी अज्यूम करते हैं. तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट मेथड बताई थी, ठीक है ना, उसका उसका हम उसका एप्लीकेशन करेंगे. यहां पे पहले इतना लिख लीजिए, ठीक है, मैं प्रॉब्लम इधर से स्टार्ट करूंगा. ओके, ना लिख लिया आपने. अब देखिए यहां पे मुझे इंटीग्रेशन करना है. ये प्रोसेस आपको समझ में आई होगी. अब देखिए यू कौन सा है, मैंने एक शॉर्टकट मेथड बताई थी आपको, वो अप्लाई करेंगे हम.
तो u जो है आपका ut माइनस यू स्क्वायर है और v जो है आपका e टू दी पावर माइनस सॉरी माइनस यू है। क्लियर है? यहां पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इस फंक्शन को ना एज इज u को एज इज नीचे लाइए, मतलब जो आपका ये अल्जेब्रिक फंक्शन है इसको एज इज नीचे लाएंगे लाइन के, तो यहां पे ut माइनस यू स्क्वायर इसका डेरिवेटिव कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू u से। आपका इंटीग्रेशन u से तो डेरिवेटिव भी विथ रिस्पेक्ट टू u से करेंगे। बताइए u का डेरिवेटिव 1 इंटू टी टी माइनस ठीक है u स्क्वायर का 2u। ओके अगेन इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, जब तक कि आपको कांस्टेंट नंबर नहीं मिलता तब तक डेरिवेटिव करो। तो t का डेरिवेटिव 0, हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं। ओके तो यहां पे कितना मिलेगा 0 माइनस ठीक है 2 कांस्टेंट है बाहर, u का डेरिवेटिव 1 तो यहां पे कितना आएगा 0 माइनस 2 माइनस 2। क्लियर है ना? इस तरीके से कॉन्स्टेंट नंबर मिला, इसके आगे इसका डेरिवेटिव जीरो होता है तो इसके आगे करने की जरूरत नहीं। हाँ अब जो वी रहता है उसको लाइन के नीचे जब लाओगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद लाना। ओके और जब यू को मतलब ये अल्जेब्रिक फंक्शन को नीचे लाओगे ना तो एज दिस लाइन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई टू दी पावर माइनस यू का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस यू अपॉन में यू का कोएफिशिएंट माइनस 1। इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे ई टू दी पावर माइनस यू का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस यू अपॉन में यू का कोएफिशिएंट माइनस 1 तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पे अगेन इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस यू का e टू दी पावर माइनस यू अपॉन यू का कोएफिशिएंट माइनस 1 तो 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। अब यहाँ पे अल्टरनेटली प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन, पहला प्लस बाद में माइनस बाद में प्लस। ओके ना बाद में इसके साथ इसका इसके साथ इसका इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन देखो कितना मिलता है। सो देयरफॉर एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओके बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या है प्लस इंटू माइनस माइनस यहाँ पे यू टी माइनस यू स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ओके ना माइनस इंटू प्लस माइनस यहाँ पे कितना टी माइनस टू यू इंटू ई टू दी पावर माइनस यू। क्लियर है? बाद में माइनस इंटू माइनस प्लस ठीक है यहाँ पे टू ई टू दी पावर माइनस यू ठीक है लिमिट है आपकी जीरो टू टी ठीक है लिमिट है जीरो टू टी। सबसे पहले अपर लिमिट ओके चलो अपर लिमिट अगर मैं पुटअप कर दू तो क्या मिलता है अपर लिमिट है टी। तो अगर मैं यू के जगह टी पुटअप करूंगा तो यहां पे टी इंटू टी टी स्क्वेयर यहां पे यू के जगह टी पुटअप करूंगा टी स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर जीरो फर्स्ट टर्म जीरो मिलेगी। ओके ना यहां पे माइनस यहां पे कितना टी माइनस टू टी टी माइनस टू टी इज अ माइनस टी तो यहां पे माइनस टी मिलेगा और यहां पे ई टू दी पावर माइनस टी यू की जगह मैं टी पुटअप कर रहा हूं अपर लिमिट प्लस यहाँ पे 2 e टू दी पावर माइनस टी ये होगी आपकी अपर लिमिट माइनस साइन देखिए लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है जीरो तो u की जगह जीरो तो यहां पे मिलेगा आपको जीरो जीरो इंटू टी जीरो जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस यहां पे हाँ u की जगह जीरो तो यहां पे आएगा ओनली टी टी माइनस जीरो टी और यहां पे e टू दी पावर जीरो ठीक है ना प्लस यहां पे 2 e टू दी पावर जीरो लाइक दैट कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके तो इसको सॉल्व करते हैं समझ में आपको देख लो चेक कर लो। ओके सो इट इज माइनस माइनस प्लस सो टी ई टू दी पावर माइनस टी प्लस टू ई टू दी पावर माइनस टी माइनस माइनस प्लस यहां पे टी ई टू दी पावर जीरो इज वन माइनस इंटू प्लस माइनस टू ई टू दी पावर जीरो वन तो यहां पे आएगा माइनस टू। ओके तो यहां से ई टू दी पावर माइनस टी को आप कॉमन निकाल सकते हो ठीक है और बाकी बचे जो जो रहता है वो आपका आंसर मतलब कितना आएगा आप इतना भी रख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैंने e टू दी पावर माइनस टी को कॉमन निकाला तो यहाँ पे आएगा t प्लस टू क्लियर है और यहाँ पे प्लस यहाँ पे t माइनस टू इस तरीके से ठीक है। सो ये रहेगा आपका आपका आंसर मतलब इसका यल इनवर्स समझ में आया होगा आपको। ओके और एक एग्जाम्पल देख लेते इसके लिए लिख लीजिए इतना। ओके और एक एग्जांपल देखते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम पे आपको इसका इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो पता है आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम कब यूज करते हैं जब दो फंक्शन के प्रोडक्ट का अगर हमें यल इनवर्स निकालना है तो ट्राई कीजिए कि इसको मैं दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं लेकिन वो दोनों फंक्शन का आपको यल इनवर्स पता होना चाहिए। ओके तो चलो करते हैं यहां पे दिया है आपको 1 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओके इसको दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूंगा एक लिखूंगा 1 बाय एस और दूसरा 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों का यूनिवर्स आपको पता है 1 बाय एस का यूनिवर्स होता है 1 और 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का यूनिवर्स होता है साइन एच ए टी अपॉन ए। ओके तो इसको मैं एफ बार ऑफ एस और जी बार ऑफ एस के साथ कंपेयर करूंगा एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस
सो यहाँ पे जब बार ऑफ यस मिलता है आपको 1/s, ओके, एंड जी बार ऑफ यस मिलता है आपको 1/s² - a², ओके, सो देयरफॉर इसका इनवर्स ले लो, सो एफ ऑफ टी कितना मिलेगा, एफ ऑफ टी मिलेगा 1, और यहाँ पे जी ऑफ टी कितना मिलेगा, जी ऑफ टी इसका एल इनवर्स लो, तो यहाँ पे साइन एच ए टी अपॉन यू, ओके, सो नाउ अब देखो जो फंक्शन इजी है ना तो उसमें टी को रिप्लेस करेंगे टी माइनस यू से, जो फंक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है मतलब थोड़ा बड़ा है या फिर मल्टीप्लीकेशन में आ रहे दो तीन फंक्शन है तो उसको हम टी को रिप्लेस करेंगे यू से, ओके, तो किसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे टी को टी माइनस यू से, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन काफी इजी है, तो यहाँ पे मैं इस एफ में जो टी है टी को रिप्लेस करूंगा टी माइनस यू से, तो ये मिलेगा आपको 1 ही मिलेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, और जी में मैं टी को रिप्लेस करूंगा यू से, तो ये मिलेगा साइन एच ये यू अपॉन लाइक दैट, क्लियर है, सो नाउ बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, अब यूज करूंगा बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपको एल इनवर्स निकालना है दो फंक्शन के प्रोडक्ट का, दैट इज एफ बार ऑफ एस इनटू जी बार ऑफ एस, तो फार्मूला क्या होता है लिमिट 0 टू टी, ओके, अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे हम एफ ऑफ टी माइनस यू इंटू जी ऑफ यू इंटू डी, ठीक है ना, तो यहाँ पे पुट अप करेंगे, तो देयरफॉर एल इनवर्स ऑफ आपको निकालना है 1/s इंटू s² - a² का एल इनवर्स, ओके, सो लिमिटेड 0 टू टी, यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस यू आपका 1 इंटू यहाँ पे साइन एच ए यू अपॉन यहाँ पे ये, ठीक है, तो बताइए 1/a क्या है, कॉन्स्टेंट है, और साइन एच ए यू का इंटीग्रेशन होता है कॉस एच ए यू अपॉन में यू का कोएफिशिएंट ये, ठीक है, लिमिट कितनी 0 टू टी लाइक दैट, ठीक है, हाइपरबोलिक में साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, नो नेगेटिव साइन, ओके, अपॉन में यू का कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा ये सबसे पहले, हाँ ये 1/a × 1/a (1/a²), सबसे पहले अपर लिमिट कॉस ऑफ एच ए टी माइनस लोअर लिमिट कॉस ऑफ एच ए इंटू जीरो, मतलब यहां पे कितना आएगा कॉस ऑफ एच जीरो, ठीक है ना, कॉस एच जीरो कितना होता है 1, सो 1/a² यहां पे मिलेगा आपको कॉस ऑफ एच ए टी माइनस 1, ठीक है, तो ये रहेगा आपका आंसर, काफी इजी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतने प्रॉब्लम सफिशियंट है, बाकी मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, उसको ट्राई कर लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए ना, और ये इसके आगे हम देखेंगे, इसके बाद जो टॉपिक देखेंगे उसमें देखेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन, आपने लास्ट लेक्चर मतलब लास्ट चैप्टर में देखा था आपने, ओके, तो उसका इनवर्स हम कैसे निकालते, मतलब उससे रिलेटेड प्रॉब्लम का हम यल इनवर्स कैसे निकालेंगे ये देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, तो पहले इतना लिख लीजिए, ठीक है, अभी होमवर्क देता हूं, ओके, ये कुछ होमवर्क है, आप इसको ट्राई कर लीजिए, ओके,